हिजाब विवाद पर योगी आदित्यनाथ की दो टूक, शरीयत नहीं संविधान से चलेगा भारत, गजवाए हिंद का सपना कयामत तक नहीं होगा सच। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में एक फेज के लिए वोटिंग हो चुकी है और सोमवार को दूसरे चरण के मतदान के बीच आए योगी आदित्यनाथ के बयानों ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में गर्मी ला दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधी बात करने के लिए जाना पहचाना जाता है। देश में हिजाब विवाद पर लगी आग के बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर देश के दुश्मनों को आगाह किया कि ये देश संविधान से चलता है, ना कि किसी धर्म विशेष के कानून से। यूपी में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग के बीच दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछ लिया कि क्या वो प्रदेश में सभी को भगवा पहनने का आदेश दे सकते हैं। आपकी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन इन्हें किसी पर थोपा नहीं जा सकता। योगी का संदेश साफ है कि आपकी आस्था का सम्मान तब तक ही हो सकता है जब तक ये किसी अन्य की परिधि के अंदर जाकर उसकी आजादी में खलल न पैदा करने लगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था और पसंद नापसंद हम देश और संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते। क्या मैं उत्तर प्रदेश में सभी कर्मचारियों या लोगों को बोल सकता हूँ कि आप भी भगवा धारण करें, स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। सीएम योगी ने आगे कहा, स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई कहेगा कि हम अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस तरह की बात करेगा क्या? कहाँ अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था अपनी जगह होती है, लेकिन जब संस्थाओं की बात होती है तो उसमें संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। योगी यहीं नहीं रुके और देश तोड़ने की साजिश रच रहे दुश्मनों को करारा जवाब दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत में विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ कार्य कर रही है। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। ठीक एक दिन पहले हिजाब विवाद को लेकर उठे तूफान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी पर पलटवार करते हुए रिएक्शन दिया था। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध ले, वो रहे या ना रहे, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में एक फेज के लिए वोटिंग हो चुकी है और दूसरे फेज के पहले योगी आदित्यनाथ के बयान ने गर्माहट ला दी है। अब देखना होगा इस बयान के बाद विपक्षी दलों का क्या रिएक्शन सामने आता है।